नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ लगातार घटनाएं बढ़ रही है। विगत दिनों मुख्यमंत्री नसरुल्लागंज दौरे पर आए थे, जब खुले शब्दों में उन्होंने कहा था कि मेरी भांजियों, तुम्हारी तरफ यदि किसी ने आंख उठाकर देखी तो ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मगर उनकी विधानसभा क्षेत्र में ही कई ऐसी घटनाएं हैं जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। ऐसा ही एक मामला विगत दिनों एक नाबालिग लड़की का अपहरण का सामने आया था। गौरतलब है कि सेमल पानी की नाबालिग लड़की को रात्रि में अपने घर से ही सो रही थी, तब गांव के चार लड़के नाबालिग लड़की को उठाकर मोटरसाइकिल पे ले गए थे और नाबालिग लड़की को घर में नहीं बताने के लिए जान से मारने की धमकी दी और सुबह सुबह गांव के बाहर छोड़कर चले गए थे, जिस पर लड़की द्वारा अपने परिजन को पूरी घटना बताई और घटना सुनने के बाद लड़की ने व परिजन नसरुल्लागंज थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जांच की जा रही है, किंतु परिवार जनों का पुलिस पर आरोप है कि आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसको लेकर सोमवार को आक्रोशित नाबालिग लड़की न्याय की आस में आदिवासी सैकड़ों समाज के लोगों के साथ साथ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाकर न्याय के लिए थाने के बाहर हंगामा किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार करने के नारे लगाए गए, जिसके बाद रैली निकालकर तहसील कार्यालय नारे लगाते हुए सैकड़ों आदिवासी समाज जन पहुंचे थे, जिसमें लड़की अपने न्याय के लिए आवेदन लेकर खुद रैली के आगे आगे चल रही थी और वहां जाकर लड़की ने एसडीएम दिनेश सिंह तोमर को अपने समाज के साथ मिलकर स्वयं ने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में उल्लेख किया था कि मैं सलोनी ककोदिया पिता राधेश्याम ग्राम सेमल पानी ने बताया कि मुझे चार लड़के 2 बजे रात को उठाकर ले गए, जिनके नाम बलराम मीणा, राहुल सेन, सतीश मालवी, हरिओम मालवी, इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती घटना को अंजाम दिया और अपने परिजन के साथ थाने नसरुल्लागंज रिपोर्ट कराने गई तो पुलिस द्वारा मुझे दबाव डालकर बयान बदलवा दिया गया। साथ ही मेरे बोलने पर भी अभी तक मेडिकल नहीं कराया गया और ना ही बलात्कार की धारा लगाई गई और ना ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर नाबालिग व आदिवासी समाज के लोगों ने मांग की है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज के लोगों द्वारा मजबूरी में आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। ऐसे विषय को लेकर गुरुवार को नाबालिग आदिवासी लड़की व समाज के हजारों लोग आक्रोशित होकर, जिसमें महिलाएं, युवती, पुरुष पीले कलर का पगड़ी व रुमाल बांधकर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और नारे लगाए गए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर बलात्कार की धारा पंजीबद्ध की जाए। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। एडिशनल एसपी समीर यादव थाने पहुंचकर आदिवासी समाज व पीड़ित परिवार को समझाइश थी कि पीड़ित नाबालिग बालिका को हर संभव मदद कर जाँच कर आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर SDM दिनेश सिंह तोमर, SDOP प्रकाश मिश्रा, थाना कार्यवाहक राहुल राजपूत भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। उमर बलबीर सिंह तोमर, मैं राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जी। किस बात को लेकर ये थाने का घेराव किया गया है और क्या मांगे हैं आप? ग्राम पंचायत सेमल पानी में, जो जिला सीहोर के अंतर्गत थाना नसरुल्लागंज के अंतर्गत आता है, उस ग्राम पंचायत में एक आदिवासी परिवार की बच्ची को सरेआम वहाँ के चार दबंगों के द्वारा रात्रि में अगवा किया गया। अगवा करने के पश्चात उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया। मध्य प्रदेश के मुखिया का विधानसभा क्षेत्र, गृह क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान जी का, उनकी विधानसभा क्षेत्र जब सुरक्षित नहीं है तो शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री महोदय मामा कहलाने योग्य नहीं है। वो मंचों में जाकर के घोषणा करते हैं, बोलते हैं कि हम तो कि हम अपने भांजियों की, भांजों की, बहनों की, जीजा की, सभी की रक्षा करेंगे। आप अपने गृह क्षेत्र में अपनी एक भांजी की रक्षा नहीं कर पाए और वो परिवार पूरा, जब पीड़ित परिवार थाने आया थाने में प्रकरण पंजीबद्ध करवाने के लिए, तो छोटी सी छेड़छाड़ का प्रकरण उनके ऊपर पंजीबद्ध किया गया, अगवा का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उस लड़की को, वो लड़की ने बताया कि कुछ एक महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने हमको धमकाया कि आप बलात्कार के बारे में ना बोले। जिसमें प्राथमिक रूप से थाने में ये रिपोर्ट की गई थी कि उसके साथ कुछ लोगों ने अपराध किया है, उस पर तत्काल कार्रवाई की गई थी, FIR भी दर्ज की गई थी और 2 लोगों की गिरफ्तारी की। उसके बाद बच्ची और उसके परिजनों का इसमें ये कहना था कि कुछ और लोग भी उसमें शामिल थे,
और इस बात के संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। इस बात को लेकर के आज यहाँ लोग एकत्रित हुए और आज बच्ची के 164 के कथन कराए गए हैं। उस कथन में जो फैक्ट्स आए हैं उसके मुताबिक उसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो बच्ची के साथ अपराध हुआ है उसमें जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध पूरे साक्ष्य जुटा करके उनको सजा दिलवाई। सर, इसमें गिरफ्तारी भी हुई है आरोपियों? जी हाँ, इसमें अभी जो बच्ची के द्वारा बताए गए थे दो लोग जो आइडेंटिफाइड थे उन दोनों की गिरफ्तारी है। सर, नेपाल वाला भी कोई मामला संज्ञान में आ रहा है, सीहोर में कोई घटना हुई है? जी हाँ, आष्टा थाने के अंतर्गत ये घटना करीब 8-10 दिन पहले की है। इसमें एक नेपाल की बच्ची थी जो नाबालिग बच्ची थी, वो आष्टा के एक आरोपी महेश इसके संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक के माध्यम से संपर्क में थी 2 साल से। बाद में इसने इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको आष्टा बुलवाया था, लेकिन चाइल्ड केयर लाइन ने इसमें जानकारी हमें आष्टा थाने को दी, सीहोर जिले को। इसमें उस बच्ची को जब वहाँ आई तो उसको सकुशल बरामद कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि ये भारत और नेपाल के बीच का मामला था जी, तो बाद में नेपाल एम्बेसी से लोग आकर के उस बच्ची को ले गए। केआरएन न्यूज़ के लिए नसरुल्लाहगंज से विजय कलमोर की रिपोर्ट।